हळवदनी रघुनंदन सोसायटी में रहता प्रतीक भाई सगा बनेवी सहित शख्सों पास थी व्याजे पैसा लीधा था और प्रतीक भाई ने अवारनवार शारीरिक मानसिक त्रास आपता था। जे त्रास कारण छेल्ला एक महीना प्रतीक भाई कलोल मुकामे जता रहा था, छता आ व्याज कोरोनो त्रास चालू रहता बुधवार सांजे 6 वाग्या आजूबाजू प्रतीक भाई कलोल वर्कशॉप ब्रिज की बाजू में झेरी दवा गटगटावी लीधी थी, ज्यादा सगाए हॉस्पिटल जवानुं नथी माताजी बधुं ठीक करी देशे अंधश्रद्धा राखीने दवाखाने लई जवानी ना पाड़ी हती। जेवा गुरुवारे प्रतीकभाईनुं मौत थयुं हतुं त्यारबाद हळवदनी सरकारी हॉस्पिटल खाते लई जवामां आव्या हता, ज्यां फरज परना तबीबे मृत जाहेर कर्या हता, परंतु पैसा लेती देती मामले प्रतीकभाई जान गुमावी पड़ी और शारीरिक तथा मानसिक त्रास आपी झेरी दवा पीवा माटे मजबूर कर्या होवानी परिवारजनोए आरोप लगाव्यो हतो अने आरोपीओ पकड़ाय नहीं त्यां सुधी लाश स्वीकारवानो इनकार कर्यो हतो। जो कि हळवद पुलिस द्वारा लाश ने पोस्टमोर्टम अर्थे खसेड़ी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी हती तो परिवारजनोए लाश स्वीकारवानो इनकार करी देता तंत्र द्वारा आगळनी कार्यवाही करवामां आवी रही छे। मारुं नाम कमलेशभाई बळजेभाई गोहिल रहेवानो ગોતા બરોબર પંકજ આ પ્રતિકભાઈ જે એક્સપાયર થઈ ગયા એ મારે આમ 30 વર્ષથી મિત્ર હતા અને પછી મેં વેવાઈ બનાવ્યા મારી દીકરી મેં એમના ઘરમાં આપેલી છે અને અહીં લોકોએ વ્યાજમાં એમના જે નણદોઈ કહેવાય એમના બનાવી સગા જીતુભાઈ પટેલ દહીંના બરાબર એ જે છે હળવદની અંદર એને કંઈક 3 લાખ રૂપિયા આપેલા હતા 8% વ્યાજ લેતા હતા એમના ત્રાસથી આ લોકો 10 દિવસ પહેલાં કલોલ લેવા। બ્યુરો રિપોર્ટ TV9 ઇન્ડિયા।